दोस्तों अब जो सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल सेक्शंस बिकॉज इट्स अबाउट कॉन्टेंट एंड कॉन्टेंट इज द हार्ट ऑफ वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस एज अ टूल जब आप, आप यूज करेंगे तो वन ऑफ द कोर थिंग्स दैट यू बी यूजिंग आर पोस्ट एंड पेजेस और uh, इस पर काफी अरसा मुझे लगा था जब मैं खुद सीख रहा था कि यार ये पोस्ट एंड पेजेस एक्चुअली होते क्या हैं तो so, याद रखें कि वर्ल्ड की दुनिया में देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल एज आईव डिफाइंड इट एक होते हैं जो पोस्ट को यूज़ करते हैं और एक होते हैं जो पेजेस को यूज़ करते हैं बोथ ऑफ देम आर वेरी इंटीग्रल टू दर्ल्ड प्रेस इको और इनको जानना भी ज़रूरी है कि यार पोस्ट और पेजेस एग्जैक्टली होते क्या हैं और मैं आपको भी डिटेल में भी थोड़ा समझाऊंगा बट आप हो सकते क्वेश्चन पूछे मुझसे कि व्हाट्स द राइट वे क्या हमें पोस्ट यूज करनी चाहिए या हमें पेजेस यूज़ करने चाहिए सो आई थिंक इन द इन द बेस्ट वर्ड प्रेस इको यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बोथ आर इंटीग्रल एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट सो यू नीड टू यूज बोथ्स बट बिफोर यून यूज इट जानना भी तो है कि ये क्या है क्यों है कैसे है वह मैं आपको अभी कुछ एग्जाम्पल से बताऊँगा आपको यहाँ पे एक uh, इमेज नजर आ रहा होगा ये इमेज क्या है ये बेसिकली फेसबुक की एक प्रोफाइल है जिसपे किसी ने पोस्ट की हुई है सो so आपको याद होगा जब आपके दोस्त आपको कहते हैं कि यार ये फेसबुक पे पोस्ट कर दो या ये पिक्चर शेयर कर दो सो दैट्स नोन एज अ पोस्ट एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ वर्डप्रेस प्रेस पोस्ट वर्क एज वेल सो वर्ल्ड प्रेस पोस्ट और टाइमली कॉन्टेंट पीसिस या टाइमली ब्लॉग पोस्ट दैट अ पब्लिश डेट बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप अपने फेसबुक की प्रोफाइल पे कुछ पोस्ट करते हैं तो उसका एक सर्टेन टाइम होता है और अगर वो सर्टेन टाइम में लोग ना देखें तो आपको इतने ज्यादा लाइक्स नहीं आते और जब आपको इतने ज्यादा लाइक्स नहीं आते तो आप सैड uh, हो जाते हैं सो so, इसी तरह वर्ड प्रेस पोस्ट आर वेरी टाइमली कॉन्टेंट बट वट आर वर्ड प्रेस पेजेस वर्ड प्रेस पेजेस आर टाइमलेस कॉन्टेंट दैट डोंट हैव अ पब्लिश डेट सो वर्ड प्रेस पेजेस आर नॉट डायनेमिक दे आर स्टैटिक स्टैटिक का मतलब ये कि इस पर जो कॉन्टेंट है उसके साथ कोई फ्रिक्वेंसी अटैच नहीं है कोई टाइम अटैच नहीं है दैट्स अ बेसिक वे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रेस पोस्ट एंड वर्ड प्रेस पेजेस बट वट आईव डन इज आईव गिवन यू अ वेरी गुड चेकलिस्ट जो आपको यहाँ पर भी नजर आएगी जिससे आप देख सकते हैं कि वर्ड प्रेस पोस्ट और पेजेस में क्या फर्क है और किस तरह से आप दोनों को यूज कर सकते हैं सो नंबर वन क्रिएटिंग इंटरैक्शंस क्या वर्ड प्रस पोस्ट और पेजेस में इंटरेक्शन होती है सो वैन इट कम्स टू पोस्ट यस देर इज इंटरेक्शन देर इज इंटरेक्टिविटी बिकॉज उस पर कॉमेंट्स होते हैं उस पर शेयर बटन होते हैं बट वैन इट कम्स टू पेजेस देर इज नॉट अ लॉट ऑफ इंटरेक्टिविटी वो अलग बात है कि आप अगर किसी प्लग से चाहें पेजेस पे कॉमेंट्स एड करवाना तो आप कर सकते हैं बट पेजेस आर नॉट सपोज टू बी इंटरएक्टिव पेजेस आर नॉट सपोज टू बी सोशल लेट्स टॉक अबाउट टाइम स्टैम्प्स टाइम स्टैम्प्स क्या होते हैं टाइम स्टैम्प्स आर टाइम या डेट्स विच आर असाइंड टू अ पर्टिकुलर पेज और अ पोस्ट पब्लिश करने का तो एक टाइम है लेकिन सर्च इंजन को बताने के लिए पेजेस का यूजुअली तौर पे कोई टाइम नहीं होता एंड पोस्ट यूजुअली हैव अ वेरी सर्टन टाइम स्टैम्प जिससे सर्च इंजन को पता लगे कि कंटेंट पीस कितना फ्रेश है या कितना स्टेल है लेट्स टॉक अबाउट कैटेगरीज सो पेजेस डू नॉट हैव कैटेगरीज पोस्ट डू हैव कैटेगरीज सो ये एक और मेजर इसमें डिफरेंस है लेट्स टॉक अबाउट आर एस एस फीड्स आर एस एस फीड्स क्या है आर एस एस फीड्स आर रियल सिंपल सिंडिकेशन फीड्स ये उसको कहा जाता है आप उसके बारे में जाके डिटेल में सर्च भी कर सकते हैं पढ़ सकते हैं लेकिन आज से कुछ थोड़ा साल पहले लोगों को बहुत ज्यादा यूज थी फीड रीडर सॉफ्टवेयर यूज करने की जिससे वो आपकी पोस्ट को पढ़ सकते थे अब इसका ट्रेंड बहुत कम हो गया आर एस एस इज सपोर्टेड बाई पोस्ट बट इट्स नॉट सपोर्टेड बाई पेजेस लेट्स टॉक अबाउट कस्टम templates. पेजेस कस्टम templates यूज करते हैं पोस्ट कस्टम templates यूज नहीं करती इसको भी थोड़ा सा आप चेंज करके आगे देख सकते हैं बिकॉज यूजिंग प्लग इंस एंड यूजिंग सम कस्टम फीचर्स ये भी चेंज हो सकता है बट ऑन द बेसिक लेवल पेजेस यूज कस्टम टेम्पलेट्स पोस्ट डू नॉट यूज कस्टम टेम्पलेट लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट फॉर्मैट्स पेजेस डू नॉट यूज पोस्ट फॉर्मैट्स वाइल पोस्ट दे यूज कस्टम फार्मेट और ये कस्टम फॉर्मेट्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ कोर्ट्स इन फॉर्म ऑफ ऑडियोज पोस्ट डू हैव कस्टम फॉर्मेट्स और एक लास्ट फीचर हरारिकी पेजेस को आप नेस्ट कर सकते हैं नेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि एक पेज के अंदर एक पेज uh, आप और क्रिएट कर सकते हैं एक चाइल्ड पेज क्रिएट कर सकते हैं पेरेंट पेज क्रिएट कर सकते हैं पोस्ट में ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती है. तो इससे क्वेश्चंस कुछ आपके शायद जेन में आए कि हाउ मेनी पोस्ट एंड पेजेस कैन आई हैव सो यू कैन हैव एज मेनी पोस्ट एंड पेजेस एज यू वांट देयर इज नो लिमिट टू दैट व्हाट इज गुड फॉर एस सी के लिए पोस्ट आर गोइंग टू बी क्रूशल बिकॉज दोज आर टाइमली कॉन्टेंट एंड सर्च यू नीड्स टू सी कि यार कौन सा कॉन्टेंट है जो रेगुलरली आ रहा है शुड आई यूज पोस्ट और पेजेस फॉर माई वर्ल्ड प्रेस वेबसाइट ये आप पे डिपेंड करता है ये आप के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है आपने देखना है कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा इमेज आपको यहां पे नजर आ रहा होगा पोस्ट एंड पेजेस इट्स दे लुक प्रिटी मच द सेम दे फंक्शन ऑलमोस्ट द सेम इनका कंटेंट सेम तरह से ऐड होता है बट दे आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स सो लेट्स लॉग इन टू digiskillsadhamid.000webhost.app.com अभी तक आपको मेरा यू आर एल बड़े अच्छे तरीके से याद हो गया होगा और वैसे भी हम ये बार बार आप अगले भी जो लेसन हैं उनमें बार बार देखेंगे तो अच्छी बात है इस पर बल्कि मैं कुछ रिसोर्सेज कुछ टिप्स स्पेशली आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा सो यू कैन लर्न वर्ड प्रेस विद डी जी स्किल्स एंड विद मी सो वी विल बी यूजिंग दिस साइट फॉर अ लॉर्ड ऑफ लर्निंग्स वेन इट कम्स टू वर्ड प्रेस लॉग इन करते हैं और देखते हैं कि पोस्ट और पेजेस में आखिर फर्क क्या है दोनों में uh, फ़र्क आपको थोड़ा सा समझाऊंगा बैक एंड से और फ्रंट एंड से तो ये इस पर आपने थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा समझना है बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डीपर अंडरस्टैंडिंग और मैं एक uh, काम और भी करूँगा कि मैं लाइव एक साइट है बी इंग गुरु डॉट कॉम विच इज़ ऑल्सो मैनेज बाय वन ऑफ द डी जी स्किल्स इंस्ट्रक्टर हिशाम सर बहुत ज़बरदस्त साइट है लर्निंग के लिए भी उस पर भी मैं आपको लाइव ले जाके दिखाऊंगा बिकॉज उस साइट पर देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट तो कंटेंट से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि पोस्ट और पेजेस में एक्चुअली फर्क क्या सबसे पहले तो देखें कि लेफ्ट साइड पे आपको पोस्ट भी नजर आएंगी और लेफ्ट साइड पे ही आपको पेजेस भी नजर आएंगे सो so ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दोनों को आपने मैनेज लेफ्ट से ही करना है और उसके अलावा आप देखेंगे पोस्ट में वो आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि ऑल पोस्ट एड न्यू पोस्ट कैटेगरीज टैग्स बट पेजेस में वो आपको ये नहीं दे रहा तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पेजेस और पोस्ट में थोड़ा सा फर्क ये है कि पोस्ट जो है टाइमली कंटेंट होता है तो और पोस्ट में कैटेगरी और टैग्स आप ऐड कर सकते हैं पेजेस में अलबत् चीज आप ऐड नहीं कर सकते करने को कर भी सकते हैं विद यूज ऑफ कस्टम प्लगिंग बाई बाई डिफॉल्ट दे आर नॉट मेंट फॉर दैट अब अगर तो मैं आपके सामने खोलूं पोस्ट्स तो भी आपको एक वही इंटरफेस काइंड ऑफ नज़र आएगा अगर मैं आपके सामने पेजेस खोलूं तो भी आपको काइंड ऑफ वही इंटरफेस नज़र आएगा उसमें डिफरेंट कंटेंट है तो ज़्यादा फ़र्क बैक एंड का नहीं है ज़्यादा फ़र्क है फ्रंट एंड का सो लेट्स टेक इट लाइव लेट्स गो टू डी जी स्किल्स विद साद हमेद एन सी के पोस्ट जो है वो कैसे नज़र आ रही हैं और पेजेस कैसे नज़र आ रही हैं सो so, एक सेटिंग uh, जो मैं चेंज करना चाहूँगा वो ये है कि मैं अपने होम पेज पे आई वुड लाइक टू शो पोस्ट तो मैं सेटिंग में गया और मैं रीडिंग पे जाके आई विल शेयर के मुझे लेटेस्ट पोस्ट नजर आनी चाहिए सो आई क्लिक सेव एना आप देखेंगे कैसा थोड़ा सा चेंज होगा सो नाउ व्हेन यू गो टू द होम पेज इट विल स्टार्ट शोइंग पोस्ट आप ये चेंज भी कर सकते हैं यह आपको दिखाने का पर्पज है कि आप चेंज भी कर सकते हैं कि आपके सामने आपको होम uh, पेज पे पोस्ट चाहिए या पेजेस चाहिए अब फर्क नोटिस करें कि होम पेज पे जब मैंने पोस्ट दिखाई तो आपको यहाँ पे डेट भी नजर आ रही है आपको ये भी नजर आ रहा है कॉमेंट्स है और आपको एक फीड नजर आ रही है जिस तरह आपकी फेसबुक की न्यूज फीड होती है यहां पे भी एक फीड है दो पोस्ट नजर आ रही है और दिस इज वट द पोस्ट इज पेजेस ऑन द अदर हैंड इफ यू इफ आई गो टू पेज जिस तरह अबाउट पेज है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है टाइम का कि ये पो ये पेज कब पब्लिश हुआ था और कमेंट्स की भी ऑप्शन नहीं है ऑन दर हैंड इफ आई गो टू कमेंट्स की ऑप्शन देगा सो so ये कुछ क्विक uh, वे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पोस्ट और पेजेज में फर्क क्या है कैसे यूज करना है ये आप पे, आपने देखना है लेट्स क्विकली गो टू beingguru.com ताकि मैं उस पर भी आपको आ, पोस्ट और पेजेस का एक फर्क दिखाऊं बिकॉज बींग गुरु डॉट कॉम पे श्याम ने बहुत मेहनत करके बहुत ज्यादा कंटेंट डाला हुआ है आई थिंक इट्स इट्स सक्सेस स्टोरी एंड वील बी इनवाइटिंग हर श्याम टू आर शो एज वेल ताकि आप देख सकें और उनसे सीख सकें सो so ये देखें कि ये जो सामने आपको सारी नजर आ रही हैं, दीज आर पोस्ट्स क्यों क्योंकि आपको नज़र भी आ रही है कब पब्लिश हुई थी और ये कॉन्टेंट भी बड़ा टाइमली कॉन्टेंट है बट इसमें ऊपर कुछ पेजेज़ हैं जिन पर हम जाना चाहेंगे जिस तरह कॉन्टैक्ट का पेज है अगर आप कॉन्टेक्ट के पेज पर जाएंगे तो आपको उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है बट वहाँ पे कमेंट्स की ऑप्शन नहीं है सो दीज आर टू वेरी गुड वेज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन पोस्ट्स एंड पेजेस यू विल बी यूजिंग देम इन डिफरेंट वेज़ बट ज़्यादा स्टक ना रहिएगा अपने लिहाज से देखें कि आपके लिए क्या सही चलता है एंड यूज़ बट इज़ बेस्ट फॉर यू